तो इस तरह से इंडिया के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिया। लेकिन जियोग्राफी में इंडिया को पढ़ने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों में इंडिया अपने नियर अबाउट के एरियाज को इंक्लूड करके एक यूनिट के रूप में एस्टेब्लिश होगा, क्लाइमेट के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, यह एक यूनिट जो इंडिया बनेगा उसमें कुछ अदर पार्ट्स भी शामिल होंगे और तब हम उसको कहेंगे सब कॉन्टिनेंट। तो अब भी आपने देखा था क्या, कॉन्टिनेंट कितने थे, 7 थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट में मैं क्या कह रहा हूं कि इंडिया भी एक सब कॉन्टिनेंट है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है और सब कॉन्टिनेंट किस तरह के लैंडस्केप को, लैंडफॉर्म्स को कहते हैं। तो एक महादेश के अंदर उसका कोई भाग यदि किसी रिवर सिस्टम के द्वारा या किसी माउंटेन रेंज के द्वारा बाकी क्षेत्र से अलग हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो ऐसे पार्ट को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एशिया सब कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट है। अब इस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखिए कि ये भारत, और ये भारत के बाद क्या है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद क्या है, अफगानिस्तान। तो आप यहां देखिए, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, या पाकिस्तान के नॉर्दर्न बाउंड्री पर एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को हम हिंदू कुश माउंटेन रेंज कहते हैं। तो ये हिंदू कुश पर्वतमाला है। अब इसके बाद आपको पता है कि ये क्या है, हिमालय। ये कौन सा रेंज है, हिमालय, हिमालय का ये माउंटेन रेंज है जो वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है और ईस्ट में थोड़ा कम है। तो ये क्या हो गया सर, हिमालय। अब यहां एक गांठ बन रही है, ये गांठ कैसे बन रही है, ये गांठ बन रही है इधर से हिंदू कुश और ये हिमालय, दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं। तो इसी को आप कहते हो पामीर, जो दुनिया का छत के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न बाउंड्री पर और अफगानिस्तान के ईस्टर्न बाउंड्री पर एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को हम हिंदू कुश पर्वत माला, पर्वत सीरीज के रूप में जानते हैं। यहां इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री पर जो इसको चाइना से अलग कर रहा है, ये हिमालय माउंटेन रेंज है जो 2500 किलोमीटर लॉन्ग है, 400 टू 250 मीटर इसका मतलब कि ब्रॉड है, चौड़ाई है, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पिक्स को कंटेन करता है, धारण करता है माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन रेंज के रूप में इसकी पहचान है, दुनिया के सबसे हाईएस्ट पिक्स को कंटेन करने वाला ये माउंटेन रेंज है, और ये इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री में, और इधर पाकिस्तान के नॉर्दर्न बाउंड्री में क्या है, हिंदू कुश। अब यहां आ जाइए, आपको पता है कि बर्मा भी जिसको आज म्यांमार कहते हैं, 1935 तक इंडिया में ही इंक्लूड था ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में। अब यहां एक माउंटेन रेंज है जिसको कहते अराकान, क्या कहते हैं, अराकान माउंटेन, और ये अराकान माउंटेन जो है वह बर्मा को, म्यांमार को भारत से अलग कर रहा है। तो अब देखो इधर से क्या है, हिंदू कुश, ये क्या है, हिमालय, ये क्या है, अराकान। हिंदू कुश भारत को अलग कर रहा है अफगानिस्तान से, मतलब पाकिस्तान को अलग कर रहा है, पाकिस्तान को हम लोग भारत में मान के चले। तो ये हिंदू कुश
और ये क्या है हिमालय, और ये क्या है अराकान, और इन तीनों से सराउंडेड जो एरिया है उसी को कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए इसके नीचे में ये क्या है, हिंद महासागर, और यहां क्या है हिंदू कोश, ये क्या है हिमालय, ये क्या है अराकान। हिंदू कोश अफगानिस्तान से इस भूभाग को भारत पाकिस्तान को अलग कर रहा है, हिमालय चाइना से तिब्बत से इसको अलग कर रहा है, अराकान बर्मा से इसको अलग कर रहा है, और नीचे से हिंद महासागर इसको सराउंड कर रहा है। तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, इस पूरे एरिया को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। तो क्या स्पष्ट हुआ कि यदि किसी महादेश का कोई भाग माउंटेन रेंज के द्वारा या किसी रिवर सिस्टम के द्वारा अपने मूल भाग से काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो ऐसे भूभाग को हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। तो भारत भी क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यह हिंदू कुश पश्चिम में, हिमालय उत्तर में, और अराकान पूरब में, इन तीन माउंटेन रेंज के द्वारा ये जो भूभाग है वह तो एशिया महादेश में, लेकिन एशिया महादेश से भौगोलिक रूप से इसको अलग करके देखा जा सकता है। और इस दृष्टिकोण से जब इसको एक अलग लैंडस्केप के रूप में हम देखेंगे, जो हिंदू कुश हिमालय और अराकान से घिरा हुआ है, मतलब एशिया से अलग हो रहा है, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखो काउंटर पार्ट कौन कौन हो जाएंगे, एक तो आपका इंडिया है, दूसरा क्या है पाकिस्तान है, तीसरा क्या है नेपाल है, चौथा क्या है भूटान है, और चौथा क्या, पांचवा क्या है बांग्लादेश। तो बिल्कुल क्लियर रहिए, मैं बात किसकी कर रहा हूं, भारतीय उप महाद्वीप, महाद्वीप या महादेश नहीं, उप महाद्वीप। और इस उप महाद्वीप में कौन कौन आया, भारत प्लस पाकिस्तान प्लस नेपाल प्लस भूटान प्लस बांग्लादेश। तो थोड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को अपने मन में आप दोहराइए, क्या कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के अस्तित्व को बना रहा है कौन, पहला है हिंदू कुश पर्वत, दूसरा हिमालय, और तीसरा अराकान। अराकान भारतीय लैंडस्केप को अलग कर रहा है किससे, बर्मा से, हिमालय अलग कर रहा है इसको चाइना से, और हिंदू कुश अलग कर रहा है अफगानिस्तान से। तो इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वास्तव में ये कॉन्टिनेंट एशिया का ही पार्ट है, लेकिन ये माउंटेन रेंज के द्वारा अलग किया जा सकता है, और इस रूप में हम इसको कहेंगे क्या, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन हुआ, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, और फिर क्या हो जाएगा, नेपाल भूटान बांग्लादेश। तो इन पांचों को एक साथ क्या कहेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए ये हमने एक बेसिक परिचय आपको दिया किस बारे में, भारत के बारे में, कि भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में हमें देखना है, और जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में इसको देखते हैं तो इसमें भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान और बांग्लादेश, ये पांचों इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट जो आज दिख रहे हैं पॉलिटिकल बाउंड्री, ये मिंगल्ड हो जाएंगे, और इन सबको संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे, भारतीय उप महाद्वीप।